हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि स्पेशल या व्रत उपवास के लिए एक बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, रिफ्रेशिंग और एनर्जी देने वाले ड्रिंक या शेक की रेसिपी। तो बिना चीनी वाला ये शेक आपको व्रत उपवास के दिनों में एनर्जी तो देगा ही, साथ ही इसे पीने के बाद आपको काफी समय तक भूख भी नहीं लगेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिल्कुल भी देर किए बिना शुरू करते हैं इस हेल्दी, टेस्टी और हाईली न्यूट्रिशियस मिल्क शेक को बनाना। दो गिलास मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये दो मीडियम साइज के पके केले। तो केला एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, साथ ही इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मिनरल और काफी फाइबर भी पाया जाता है। तो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर है खजूर। ये एक हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट है जो फाइबर का काफी अच्छा सोर्स होने के साथ ही नेचुरल स्वीटनर भी है। तो यहाँ पर मैंने ये 10 खजूर लिए हैं। सभी खजूर को वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पर इनके अंदर के बीज निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर खजूर को डाल दूंगी इस बोल में। तो इन्हें डालने के बाद अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ ये आधा कप गरम दूध, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो इन्हें एक बार यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें सोक करके रखूंगी। तो जब तक ये सोक होते हैं तब तक आगे के इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 2 गिलास या 500 ml उबला हुआ ठंडा दूध लिया है। तो ये कैल्शियम का काफी अच्छा सोर्स है। साथ ही मैंने यहाँ पर 10 से 12 बादाम लिए हैं, जिन्हें रात भर भिगोकर इनका छिलका निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने ये एक बड़ा ग्राइंडर जार लिया है। तो केले के छिलके निकाल कर दोनों केलों को मैं यहाँ पर कट कर लूंगी। तो इस शेक को बनाने के लिए आप चाहो तो उन केलों का भी यूज कर सकते हो जो थोड़ा ज्यादा पक जाते हैं और जिन्हें कोई खाना पसंद नहीं करता। तो अब मैं यहाँ पर इसमें दूध में भिगोए हुए खजूर डाल दूंगी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बादाम। तो भिगोने से बादाम की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ने के साथ ही इनके अंदर की गर्मी भी कम होती है। तो फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने ये 4 साबुत इलायची डाल दी है। आप चाहो तो इनका पाउडर भी डाल सकते हो। तो ढक्कन लगाकर यहाँ पर मैं इसे फाइन ग्राइंड कर लूंगी। यहाँ पर रुक रुक कर इसे मैंने 3 से 4 बार ग्राइंड कर लिया है। तो इसे मैं आपको पास से स्पून से दिखाती हूँ। तो इस तरीके से इसका ये स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये ठंडा दूध। तो आपको यहाँ पर इस शेक को कितना गाढ़ा या पतला रखना है उसके हिसाब से आप यहाँ पर दूध का यूज कर सकते हो। एक बार इसे मिक्स करके फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिल्क शेक सर्व करने के लिए तैयार है। तो एक गिलास में मैं यहाँ पर डाल दूंगी ये कुछ आइस क्यूब। तो यहाँ पर ये डालना टोटली ऑप्शनल है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें पोर करूंगी बनाया हुआ ये मिल्क शेक। तो दूसरे गिलास में मैं इसे बिना आइस डाले हुए ही सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और एनर्जी देने वाला मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। तो इसे मैं गार्निश कर रही हूँ कटे हुए बादाम से, ताकि दिखने में भी ये काफी टेम्पटिंग लगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस नवरात्रि में या फिर नॉर्मली भी इस मिल्क शेक की इस रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए जरूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।